Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Faisan, you are watching Sun The guys. Again, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तान रशिया फॉर एस थ्री हंड्रेड फिफ्टी मिजाइल डिफेंस सिस्टम कैन इट चैलेंज इंडिया एस फोर हंड्रेड ओके okay, तो पाकिस्तान ने भी जो है आप लोगों को पता है कि इंडिया के पास जो है वो एस फोर हंड्रेड मिजाइल जो कि रशिया से जो है वो इंडिया ने मंगवाया था उनसे जो है वो हथियार ये वाला मिसाइल जो है वो लिया था अब क्या है कि पाकिस्तान ने 350 जो है वो 350 उन्होंने बोला कि हमें भी जो है वो अब चाहिए ये हथियार आप लोगों को पता है कि जो है वो पाकिस्तान भी अंदर अंदर जो है वो तैयारियां तो भाई हर कंट्री ही करती है क्योंकि जिस तरह से जो है वो माहौल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर तो पाकिस्तान भी अब इस चीज के लिए तैयारियां कर रहा है जंग शंग के लिए तैयार हो रहा है कि भाई क्या पता हम पे भी कोई हमला बोल ही सकता है ना तो फिर तैयार तो हर सिचुएशन के लिए रहना चाहिए सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगे लेकिन उससे पहले क्या लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें बिना टाइम को अगवा वीडियो की तरफ चलते हैं नमस्कार वेलकम टू स्टडी मैं प्रशांत धवन नाउ जैसे आप लोग जानते हैं भारत के पास रशियन मेड एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और रिसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट करी है रशिया को कि आप अगर एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमको नहीं बेचना चाहते भाई दवे पाकिस्तान ने आज से कुछ साल पहले कोशिश करी थी कि रशिया से यह बात करें कि एटलीस्ट एक बैटरी एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान को भी मिल जाए बट रशिया ने क्लियरली ये कह दिया था कि जो वेपन ये इंडिया को सेल करेंगे सेम टू सेम वेपन पाकिस्तान को सेल नहीं कर सकते दिस विल बी रॉन्ग तो पाकिस्तान ने अब फिर से रिक्वेस्ट करी है और ये बात बाय द वे ये जो न्यूज है ये यूरोपियन मीडिया ने ब्रेक करी है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली अप्रोच किया है रशिया को और ये कहा है कि हम लोग एस थ्री फिफ्टी परचेज करना चाहते हैं अब यहाँ पे आप कहोगे एस थ्री फिफ्टी क्या लिटरली ये एस फोर हंड्रेड से कुछ कमज़ोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जी हाँ बिल्कुल ये एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक प्रसर है उससे काफ़ी कमजोर है एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और पाकिस्तान चाहता है कि रशिया सेल कर दे इसे टू पाकिस्तान इसके लिए काफ़ी हाई लेवल पर बातचीत चल रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया और अगर आप सोच रहे हैं वेट रशिया क्या कभी ऐसा करेगा आई डोंट थिंक रशिया ऐसा करेगा मैं आपको ये बता दूँ आज के समय जो रशियन फेडरेशन है ये एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी हद तक डेस्परेट भी है बिज़नेस के लिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक टाइम पर रशिया से वेपन्स परचेज करते थे अब यूएस और यूरोप के दबाव में ऐसा नहीं, नहीं कर पाएंगे हम अपने खुद के प्यारे भारत को भी देख लें हम लोग बिल्कुल पुराने जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं रशिया के साथ वो कम्प्लीट कर रहे हैं मगर आपने नोटिस किया होगा कि हमने पिछले चार पाँच सालों में कोई नया ऑर्डर रशिया को नहीं दिया है वेपन्स के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही हैं जहां पे रशिया इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर करेगा या फिर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है जिसका एग्रीमेंट बहुत पहले हो चुका है तो रशिया को कॉन्स्टेंटली नए ग्राहक चाहिए नए कस्टमर चाहिए और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ आज से कुछ महीने पहले रशिया ने पाकिस्तान को सर्वेलेंस ड्रोन अटैक ड्रोन नहीं जासूसी करने वाले जो ड्रोन्स होते हैं सर्वेलेंस ड्रोन्स ये बेचे थे इन ड्रोन्स का नाम सुन के आप हंस पड़ेंगे इन ड्रोन्स का नाम भी है एस थ्री फिफ्टी ये ड्रोन है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं भी है।, है मगर रशिया की एक कंपनी ने एस थ्री फिफ्टी नाम के जो ये ड्रोन्स हैं ये बनाए हैं जो आज के समय बेलारूस उसके अलावा सीरिया के कई ग्रुप्स और इवन मिडिल ईस्ट में बाकी कंट्रीज भी यूज़ करती हैं पाकिस्तान को भी ये ड्रोन्स बेचे गए हैं और इंटरेस्टिंग बात देखिए पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है भारत के बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए या फिर स्पाइंग करने के लिए आप कह लीजिए तो रशिया अगेन आपको समझना होगा रिसेंटली इनके विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने आकर यह कहा था कि यह एक ऐसा देश है जिस पर इक्कीस हजार सैंक्शन लगे हुए हैं दुनिया में आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिस पर इतने सैंक्शन लगाए गए हैं जितना रशिया पे लगाए हैं तो रशिया एक बार को आकर चाइनीज़ यून के लालच में क्योंकि पाकिस्तान के पास चाइनीज़ यून बहुत सारे हैं और पाकिस्तान इससे पहले जो रशियन ऑयल थोड़ा बहुत उन्होंने परचेज़ किया भी था इसकी पेमेंट इन लोगों ने चाइनीज़ करेंसी में ही की थी तो कोई बड़ी बात नहीं है अगेन कि एक काफ़ी पुराना वेरिएंट एस थ्री फिफ्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है अगेन मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि रशिया मान जाएगा बट एक पॉसिबिलिटी आपको ये दिखती है पाकिस्तान की तरफ से भी उत्साह और काफ़ी हद तक आप कह लीजिए एक्साइटमेंट इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि रशिया के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं और एक बार को आके हो सकता है तो थोड़ा कैश लो के लिए ये अपने पुराने एस थ्री फिफ्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच दे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये फ़्रेश बनेंगे पाकिस्तान को ये पुराने ही मिलेंगे ना मुझे बताए यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आ सकता है मगर आज से पहले ना हमने एस थ्री फिफ्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम ही नहीं सुना था हमको लगता था कि एस थ्री हंड्रेड है उसके बाद एस फोर हंड्रेड है जो इंडिया के पास है और फिर रशिया बना रहा है एस फाइव हंड्रेड ये फिफ्टी कहाँ से आ गया बीच में थ्री फिफ्टी वल यहाँ पर आपको समझना होगा ये काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है मगर बहुत ही पुराने डिज़ाइन पर बेस्ड है रशिया यूक्रेन वॉर रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी और रशिया को बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स चाहिए थे क्योंकि यूक्रेन लगातार ड्रोन भेज रहा था रशिया की धरती पर उस वक्त रशिया की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं इन्होंने डेवलप किया एस थ्री फिफ्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये एस थ्री हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और ये इंटरेस्टिंग बात देखिए एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो एक मिसाइल है नाइन एम नाइन सिक्स मिसाइल वो यूज़ करता है और वैसे आप अगर देखो इसकी जो रेंज है ये एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत कम है मैक्सिमम रेंज है इसकी 120 किलोमीटर मगर पाकिस्तान को यह अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि यह बैटल टेस्टेड है रशिया ने एस थ्री फिफ्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के अगेंस्ट एक्सटेंसिवली यूज़ किया है और इसलिए पाकिस्तान मानता है कि रशिया ने सिंस ये रिसेंटली ही प्रोड्यूस किए हैं दो हज़ार के आसपास तो परहैप्स ये लोग इनको परचेज कर सकते हैं और आप अगर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से देखो ना तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा होगा अगर इनको एस थ्री फिफ्टी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता है क्योंकि करंटली इनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की लेयर हैं कि कितने आप सिस्टम्स यूज़ करते हो अपने देश को बचाने के लिए इनकमिंग मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से तो ये बहुत कम है पाकिस्तान के पास देखिए पहले तो है एच क्यू ये चाइनीज़ मेड है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है लॉन्ग रेंज कहने को ही है एक सौ पच्चीस किलोमीटर्स की इसकी रेंज है और पाकिस्तान के इंटरनली आप देखोगे काफ़ी बार रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ये इतना बढ़िया काम करता नहीं है पाकिस्तान डज नॉट फील कॉन्फिडेंट ऑन एच क्यू नाइनपी फिर अफकोर्स चाइनीज़ मेड एल वाई ए टी वी है इनके पास जिसकी रेंज सिर्फ चालीस किलोमीटर के आसपास है उसके नीचे आप जाओगे तो पाकिस्तान मेड इनके पास जो अनजा सीरीज़ मैन पैड्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा कम है बस पाँच से लेकर छः किलोमीटर फिर इनके पास एच क्यू सेवन है ये भी चाइनीज़ मेड है आठ से लेकर पाँच किलोमीटर्स की इसकी रेंज है वो भी स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए ये दोनों जो है इनको प्रटी मच आप यूजलेस ही मान सकते हैं कहने को पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स चार हैं एक्चुअल लेयर्स मैं उसको दो या डेढ़ के आसपास ही मानूंगा तो इसलिए पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि जो ये लेटेस्ट एस थ्री फिफ्टी है ये इनको मिल जाए और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि क्या जेनवनली ऐसा हो सकता है आई मीन रियली क्या रशिया ऐसा करेगा देखिए अगेन इट विल टेक टाइम इंडिया ऑब्वियसली अपनी तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करेगा रशिया पे पर ऐसी सेल वो पाकिस्तान को ना करे क्योंकि ना सिर्फ रशिया को एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज़ करने वाले जो सिस्टम्स हैं बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स ये भी नहीं बेचने चाहिए इंडिया के अनवी कंट्रीज़ को बट एट द सेम टाइम याद रखिएगा रशिया ने एस फोर हंड्रेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा है चाइना को और साथ ही साथ भारत को भी बेचा है तो आज के समय रशियन फेडरेशन एक ऐसा देश है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर बिजनेस और इसलिए मैं इस न्यूज़ को इन रिपोर्ट्स को लाइटली नहीं लूँगा इनको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूंगा और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ ओके गाइस तो अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और चले देर आए दुरुस्त आए पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो कुछ चीजें जो है वो हो रही है और पाकिस्तान भी जो है अपने डिफेंस पे जो है वो काम कर रहा है बड़ी अच्छी बात है यार क्योंकि अब देखो अभी मिजाइल लिया नहीं अभी बोला ही है क्योंकि आप लोगों को पता है रशिया रशिया ने यार मुझे ये फर्स्ट टाइम पता चला कि में मतलब ये असूल है कि क्या है पूरी दुनिया के अंदर आई थिंक सो ये असूल है कि अगर मिजाइल जो है वो इंडिया को उन्होंने दिया है एस फोर तो वो जो है एग्जैक्ट सेम जो है वो पाकिस्तान को नहीं दे सकते एक नंबर कम दे सकते हैं तो अभी इस अभी रशिया को तो बिजनेस करने की मतलब रशिया यूक्रेन की वॉर के दौरान आप लोगों को पता है काफी ज्यादा दोनों कंट्रीज का नुकसान हुआ किसी एक का नहीं हुआ ठीक है तो क्या था कि अभी उनको जरूरत है कि वो अब अप, अपनी इकोनमी में जो है वो मजीद इजाफा करे और मजीद ट्रेड वगैरह भी लोगों से करे ठीक है अस, सेल करे अपनी चीजें परचेज भी करनी होती हैं तभी तो उनको तो जरूरत है ठीक है और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राइट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर देते जाएगा तो चलिए कैसे होते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय